अब तो टीना से सीख ही गई हूँ ना कि कैसे कैमरा में देख के बात कर, मतलब किसी को हग करना चाहिए या फुल ऑन मोड में है. मतलब इस बार जो जितना अधूरापन हम लोगों को आप छोड़ गई थी कि अरे श्रीता तो ढंग से देखी नहीं है, इस बार वो सारा मूड लोगों का फ्रेश हो जाएगा क्योंकि एक बार फिर से आप आने वाली है. बिल्कुल, क्योंकि मैं इस बार शायद पहले से भी ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इट वाज़ द फर्स्ट रियलिटी शो फॉर मी. आई वाज समहाउ लिल नर्वस बट दिस टाइम आई एम नॉट नर्वस और स्केयर्ड. मेरा लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मुझे वापस से मौका मिला है. बहुत कम कंटेस्टेंट्स को ये मौका मिलता है, तो जाके एकदम बैम. ओके, और साथ ही में जब आपका पहला जब एविक्शन इंटरव्यू लिया था तब आपने कहा था कि मेरे कुछ अधूरे काम हैं, अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी तो मैं पूरा करूंगी. तो क्या कुछ आप अधूरे काम जो आपके रह गए वो पूरा करने वाले हैं? एक्चुअली जब मैं गई थी शो में तो मेरी उम्मीद यही थी कि मैं आगे तक जाऊँगी, लास्ट तक जाऊँगी. तो जब मैं एविक्ट हो गई थी, इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार, मतलब नहीं यार, ख़त्म नहीं हुआ है. देर इज़ सो मच टू डू, देर इज़ सो मच अनफिनिश्ड बिजनेस टू डू, और मतलब मुझे वो पूरा करना है. तो ये एक चाहत, ख्वाहिश थी अंदर से. और अनफिनिश्ड बिजनेस बोले तो देर आर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स जो साए में रह के गेम को खेल रहे और आगे बढ़ते जा रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को नॉमिनेशन से भी बचा रहे, और वो इतना डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं है कि दो महीने तक वो घर के अंदर रहे. देन देर इज़ अ लॉट ऑफ बैक बिचिंग एंड बैक बाइटिंग विच हैज़ हैपेंड बिहाइंड मी, जो मुझे बाद में घर के बाहर आने के बाद पता चला. तो उन सारी चीज़ों का ना मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाई मैं, उससे पहले ही मैं निकल आई थी. सो दैट्स द अनफिनिश्ड बिजनेस आई मैंने. आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटीज में थोड़ा सा चेंज आया है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव? आई थिंक ऑफकोर्स आया है, क्योंकि पर्सनैलिटी में एज सच नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं गेम के बारे में सोच रही थी गेम के अंदर जाने से पहले, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव नॉट फॉलोड एनी ऑफ द सीजन वेरी रिलीजियसली. मतलब कभी शूट से पैकअप हो गया तो मैं घर पे आई तो एक एपिसोड देख लिया, कभी चार दिन बाद एक एपिसोड देख लिया. तो जो ये शो का एक ग्राफ होता है ना, उसको लेके शायद मेरे थॉट्स थोड़ा क्लटर्ड था. पर अब जब मैं इस सीज़न को पहली बार वेरी रिलीजियसली आई फॉलोड एवरी एपिसोड एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस सीज़न एज वेल, सो आई थिंक आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस गेम नाउ. यहाँ पर ना हर तीसरे दिन नए वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है. जब आप घर के अंदर थी तो पता नहीं शायद मौका नहीं पड़ा होगा. क्या लगता है किस तरीके से आपकी एंट्री को लोग लेंगे, किस तरह से रिएक्शन मिल सकता है? आई थिंक पीपल वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि जितना भी मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम कॉमेंट्स, फैन कॉमेंट्स ये सब पढ़े हैं, इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब न्यूज़ वगैरह भी कॉन्स्टेंट इट वॉज फ्लोटिंग 7 हफ्ते से जब से मैं बाहर हूँ कि श्रीजिता माइट बी द वाइल्ड कार्ड, इज श्रीजिता द वाइल्ड कार्ड, हाँ यार उनको वापस लाओ. सो आई थिंक द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं मुझे और देखना था, पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, पर उनको और मुझे देखना था. सो आई थिंक द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव. तो श्रीजिता जब से आप घर से बाहर आ गए हो, आपने ये जरूर सारे एपिसोड्स को फॉलो किया है, तो अभी घर में जो सीन चल रहा है सबका, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे लोगों के डील करने वाले हैं कंटेस्टेंट्स के साथ? सीन तो यही चल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 7 का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप ऑफ 4 तो ऑलरेडी टूट चुका है. और मुझे झुंड में चलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है एंड एवरीबडी शुड बी स्ट्रांग इनफ टू प्ले फ्रंट फुट. तो कहीं ना कहीं आई वुड नॉट लाइक कि वो ग्रुप में कुछ लोग प्रोटेक्टेड रहे या और बाकी तो जो भी फेक है, कन्फ्यूज्ड रिलेशनशिप्स है, वो तो ऑडियंस को ऑलरेडी दिख ही रहा है. जैसे कि अर्चना भी घर में लगातार हर एक कंटेस्टेंट से झगड़ा करते दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है घर के अंदर जाने के बाद आपसे भी कुछ ना कुछ उनका हो रही है? उसके साथ तो फॉर श्योर, पर उसके साथ यही है कि बहुत खतरनाक होता है, फिर देन इट्स शी इज़ लाइक नॉर्मल. तो उसका वैसा ही है, बहुत एंटरटेनिंग भी है और बहुत इरिटेटिंग भी है एट द सेम टाइम. तो इरिटेट तो करेगी और झगड़ा भी होने वाला है, बट शी इज़ लाइक ओके फाइन, इट्स जस्ट पासिंग बाय, लाइक झगड़े उसके आते रहेंगे. एंड ऑल्सो टीना दत्ता के साथ जो था आपका काफ़ी चल रहा था, कैट फाइट भी हुई थी और इस बार वापस से आप जाने वाले, तो कैसे आप उनके साथ रहने वाले हो टीना दत्ता के साथ?
टीना के साथ कैसे रहने वाली हो? टीना के साथ मैं कैसे भी नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं डे वन से भी ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ. एंड माय ऑब्जर्वेशंस अबाउट दैट वुमन वाज क्वाइट राइट. जैसे कि सारे फैन पेजेस डिफरेंट जगह पे ये सारी चीज़ें बोली भी गई है कि यश रजिता यू आर सो राइट अबाउट हर. सो व्हाट आई फील बैड अबाउट कि वो कहीं ना कहीं उसको पता था कि वो अगर ओपन में मेरे से कोई झगड़ा मोरेगी तो मतलब ओपन में कोई झगड़ा उठाएगी तो शी माइट कम अक्रॉस नेगेटिव और शी माइट कम अक्रॉस वीक. तो इसलिए वो बहुत स्मार्टली बिल्कुल मेरे से कुछ ना झगड़ा कुछ ना मुद्दा उठा के साइड लाइन करके कि चलो मैं एक नया ट्रैक खोलती हूँ शालिन या गौतम के साथ. और फाइनली शालिन कन्विंस्ड हो गया उसके साथ ट्रैक खोलने के लिए और बहुत स्मार्टली उसने पतली गली से निकल गई. तो इस बार मैं उसको निकलने नहीं दूंगी. और मुझे पता है ना अभी तो क्या पीठ पीछे बात कर रही है. सो या थैंक यू थैंक यू सो मच.